हेलो स्टूडेंट, हम लोग कुछ एस ब्लॉक के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि जो असाइनमेंट दिया है उसको हेल्प करने में, उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी थोड़ी, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट और आपके रिवाइज होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम में डेंसिटी का ऑर्डर क्या है? तो आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटेगी और मास बढ़ने से बढ़ेगी। जब आप डाउन टू द ग्रुप जाते हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है और मोलर मास भी बढ़ रहा है। बट जो मोलर मास होता है, इंक्रीज इन मोलर मास जो होता है वो वॉल्यूम को कंपेंसेट कर देता है, यानी कि इफेक्टिवली हम मास देखते हैं। तो डेंसिटी जो होती है वो डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होती है। बट यू नो कि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये लाइटर होते हैं और इनकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से भी कम होती है। और एक बात और, जो पोटेशियम होता है इज़ लाइटर देन सोडियम, इसलिए जो डेंसिटी का ऑर्डर है वो इस तरह होता है। लिथियम डाउन टू द ग्रुप बढ़ेगी, हमने कहा कि एटॉमिक मास इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, तो लिथियम के बाद सोडियम। बट सोडियम के बाद जब पोटेशियम जाते हैं तो साइड में एकदम से एक्सेप्शनल इंक्रीज होता है। इस वजह से जो सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो पोटेशियम से ज़्यादा है, एंड दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। एक्चुअल में इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इन बॉइलिंग पॉइंट, ये लो होते हैं, वेरी लो। क्यों लो होते हैं? क्योंकि दे फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में हमने सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया है, ये सोडियम का मेटेलिक बॉन्ड डिस्कस किया था। तो बहुत सारे सोडियम आयन्स इस तरीके से हैं और इनके बीच में इनके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो मूव करता रहता है। यू नो फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R2। तो +1 -1 चार्ज है, तो अगर मान लो किसी मेटल पे +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पर मेटल, तो ये चार्ज बढ़ेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अदरवाइज ये मेटल आयन इतना क्लोज नहीं हो पाएंगे, एन ए प्लस आयन रिपल्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़रूर क्लोज रहते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं आ पाता है, तो वीक मेटेलिक फोर्स होता है। दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो ये सीजियम आयन्स और दूर होंगे, तो वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा। इसलिए जो डाउन टू द ग्रुप है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। ऑर्डर क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। और आपको पता है बच्चों की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, जो भी बोलो आप, होती है। तो और दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का? NS1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे, और इसको रिमूव करना, साइज एकदम से बढ़ता है तो रिमूव करना आसान होता है। तो आयन एनर्जी भी क्या होती है इनकी? काफ़ी लो होती है। ग्रुप 2 के एलिमेंट से भी लो होती है, ग्रुप 2 के एलिमेंट का NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऑर्डर क्या होगा? साइज बढ़ने से घटेगी, तो लिथियम की आयन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होगी, सोडियम की पोटेशियम से, फिर रुबीडियम की एंड देन सीजियम की, राइट। ये है नेक्स्ट जो है,
हम बात करेंगे क्वेश्चन फोर फ्लेम टेस्ट के बारे में। जो एल्कली मेटल्स होते हैं एंड कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल भी, ये फ्लेम में ले जाने के बाद कलर शो करते हैं। पहले तो मैं इनके कलर लिखता हूँ और फिर इसके बाद बताता हूँ कि ये कलर आता क्यों है, ठीक है ना। जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसका क्या कलर होता है? क्रिम्सन रेड। इसका होता है गोल्डन येलो, दिस इज वायलेट इन कलर, दिस इज रेड वायलेट एंड ये ब्लू, स्काई ब्लू जो भी बोलना चाहो, ब्लू कलर होता है। कलर क्यों आता है इसको समझने के लिए, इसे लिथियम है, लिथियम का आउटर कन्फ्यूजन क्या होगा? 2s1। सोडियम का आउटर कन्फ्यूजन क्या होगा? 3s1, राइट। तो 2p0, यहाँ पर 3p0 है। यू नो दैट जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो s एप्सिल की p से कम होती है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको मेटल्स को फ्लेम के बारे जाते हैं, अच्छा ये कलर कौन सो करता है? मेटल्स एंड इनके कंपाउंड्स, कंपाउंड में बेसिकली हैलाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट ना, हैलाइड्स जो है वो करेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं इन द फ्लेम। तो मैं बात कर रहा था कि शो कैसे आता, कलर कैसे शो होता है। तो ये 2s इलेक्ट्रॉन है, जब इसको फ्लेम के पास ले जाते हैं तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2p में चला जाता है, जो कि खाली पड़ा था 2p0, ये 2s है, लिथियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन वापस से लौट कर अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल में आता है एंड जो एनर्जी एब्जॉर्व की है उसको लाइट के फॉर्म में इमिट करता है एंड शोज कलर। इसे हम बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो स्पिन है वो चेंज नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, यानी कि यहाँ पे जिस स्पिन से इलेक्ट्रॉन है आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होगा, राइट। तो कलर कम्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ओके। क्वेश्चन फाइव डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको भी पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, एक्वस सॉल्यूशन, साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, पोटेशियम प्लस एक्वस एंड सीजियम प्लस एक्वस, इनके साइज क्या होंगे एक्वस सॉल्यूशन में? तो आपको पता है बच्चों कि एक्वस सॉल्यूशन में साइज जो होता है वो डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पे या हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, विच इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? जब एक मोल केटायन या एनायन वाटर में होता है तो वो वाटर से इंटरैक्ट करता है, इस इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे लिथियम प्लस है वाटर में, तो ये वाटर अपोजिट डाइपोल ले करके इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। यू नो दैट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका बेंड शेप होता है एंड पोलर मॉलिक्यूल को हम एक डाइपोल की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डाइपोल मतलब जिसके दो पोल हों, राइट। तो जब लिथियम प्लस वाटर में होगा तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव पोल जो है वाटर के वो लिथियम के चारों तरफ आ जाएंगे,
अच्छा, अब यू नो द कि साइज बढ़ने से ये इंटरेक्शन कम होगा, राइट? तो इसलिए लिथियम वाटर से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ऐसे कह सकते हैं, चार्ज देख लो तो यहाँ पर साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, इसलिए लिथियम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और लिथियम केस में इस तरह वाटर की सेकेंडरी लेयर भी बन जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है लिथियम और वाटर के बीच में। तो रिजल्टेंट साइज क्या हो गया इसका, बढ़ गया। इसलिए इन एक्वस सॉल्यूशन साइज का ऑर्डर यह होता है, राइट? और ये इसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कंडक्टिविटी का, ठीक है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मूवमेंट ऑफ आयंस। किस पे डिपेंड करती है? मूवमेंट ऑफ आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अच्छा कंडक्टर होता है। तो आयन की मूवमेंट, अब देखो यहाँ पर लिथियम का साइज बड़ा है तो इसकी मूवमेंट कम होगी, इस वजह से लिथियम एक्वस की कंडक्टिविटी सोडियम एक्वस से कम होगी, पोटेशियम एक्वस, रुबिडियम एक्वस एंड फाइनली सीजियम एक्वस, राइट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस अभी सभी जगह सेम है एंड लिथियम का साइज छोटा है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, इसलिए उसकी कंडक्टेंस भी जो है क्या है, वो कम है। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके.